कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारी जिंदगी में क्या असर होता है? यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण आदमी मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन का जीवन बहुत ही सामान्य था। वह एक किसान था और अपनी पत्नी राधा और दो बच्चों के साथ छोटे से घर में रहता था। उनकी जिंदगी में खुशियां थी, लेकिन साथ ही साथ कई कठिनाइयां भी थी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहन हर रोज सुबह जल्दी उठता, अपने खेतों में काम करने जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। यह फैसला उसकी जिंदगी को बदल देगा, लेकिन उस वक्त मोहन को इस बात का अंदाजा नहीं था। एक दिन मोहन ने देखा कि गांव के बाहर एक छोटा सा कुत्ता भूखा और बेजार घूम रहा है। उसके शरीर पर कई जगह चोटें थीं और वह बहुत कमजोर लग रहा था। मोहन का दिल पसीज गया। उसने घर जाकर अपनी रोटी का एक टुकड़ा लाया और उस कुत्ते को खाने के लिए दिया। कुत्ता पहले तो डरा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने रोटी खाना शुरू किया। मोहन ने उस कुत्ते को शेरू नाम दिया। हर रोज सुबह और शाम जब मोहन खेतों में जाता, तो वह शेरू को रोटी का एक टुकड़ा जरूर खिलाता। धीरे धीरे शेरू और मोहन के बीच एक अनोखा बंधन बन गया। शेरू अब मोहन का सच्चा दोस्त बन चुका था और हमेशा उसके साथ रहता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोहन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उसके खेतों की उपज पहले से बेहतर होने लगी। वह अब ज्यादा मेहनत करने लगा और शेरू की कंपनी में उसका मन भी हल्का रहता था। मोहन की पत्नी राधा ने भी इस बदलाव को महसूस किया और वह भी शेरू को अपना मानने लगी। गांव के लोग मोहन के इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर मोहन की जिंदगी में ऐसा क्या खास हो गया है। मोहन ने उन्हें शेरू के बारे में बताया और कहा कि कैसे उसने सिर्फ एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने से उसकी जिंदगी में खुशियां और समृद्धि आई है। मोहन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब गांव के और लोग भी अपने अपने तरीके से कुत्तों और अन्य जानवरों की मदद करने लगे। इस पहल का गांव पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोग अब अधिक संगठित और संवेदनशील हो गए थे। गांव में आपसी प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ी और सभी एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मोहन और राधा के बच्चे रोहित और सुमन भी शेरू के साथ खेलते और उसकी देखभाल करते थे। वे अपने माता पिता से सीखते कि कैसे एक छोटे से काम से भी बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने भी अपने दोस्तों को इस बात का महत्व समझाया और धीरे धीरे गांव की नई पीढ़ी भी इसी राह पर चल पड़ी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि छोटे छोटे अच्छे कार्यों का असर कितना बड़ा हो सकता है। मोहन ने सिर्फ एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने का निर्णय लिया था, लेकिन उस छोटे से काम ने उसकी और उसके गांव की पूरी जिंदगी को बदल दिया। जब हम किसी जीव को प्यार और मदद देते हैं, तो वह हमें भी बदले में कुछ ना कुछ अच्छा लौटाता है। शेरू अब गांव के हर व्यक्ति का प्रिय बन चुका था। वह गांव की खुशहाली का प्रतीक था। लोग उसकी देखभाल करते और वह भी सभी का साथ निभाता। मोहन की कहानी हमें यह बताती है कि दया और करुणा का महत्व कितना बड़ा है। यह कहानी हमारे दिलों में इंसानियत और सहयोग की भावना को जागृत करती है और हमें सिखाती है कि जिंदगी में खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं।